बिग बॉस के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स का अगर कभी भी नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा विकास गुप्ता का। विकास गुप्ता पर इस शो के दौरान कई इल्ज़ाम लगे हैं, कई बार उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, पर जितनी बार वो खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं उतनी बार कोई ना कोई और आकर उन पर वही इल्ज़ाम दोबारा से लगा देता है। जी हाँ, बिग बॉस 14 में हमने विकास गुप्ता को बहुत बार इसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हुए देखा है और इमोशनली भी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, लेकिन घर से बाहर आकर उन्होंने कहा था कि अब उनके ऊपर कोई भी झूठे एलिगेशंस लगाएगा तो वो उसके अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल करेंगे। ये बात उन्होंने विकास खोखर के झूठे एलिगेशंस के बाद कही थी और उन्होंने विकास को कहा था कि वो इस चीज़ को नहीं सहेंगे और फाइनली उन्होंने इस बात को प्रूव करते हुए विकास खोखर के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। आपको बता दें, विकास गुप्ता ने एक लंबा सा वीडियो शेयर किया था जहां पर उन्होंने दिखाया था कि विकास खोखर बार बार उनके साथ टच में आने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उन्होंने विकास को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो पिछले 8 साल में विकास को सिर्फ 2 बार मिले हैं और अब फाइनली उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। ना सिर्फ विकास खोखर के अगेंस्ट बल्कि पार्थ समथान और प्रियांक शर्मा को भी उन्होंने कहा है कि उन्हें कल तक उनकी अपॉलोजी चाहिए, वरना जो उन्होंने विकास खोखर के साथ किया है वही वो पार्थ समथान और प्रियांक शर्मा के साथ भी करेंगे, जिन्होंने पास्ट में विकास जैसी हरकतें ही करी है और उन्हें इमोशनली और मेंटली टॉर्चर कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि पार्थ समथान और प्रियांक शर्मा विकास गुप्ता से माफ़ी मांगते हैं या नहीं, या फिर उनके माफ़ी ना मांगने के बाद विकास गुप्ता क्या उनके अगेंस्ट भी डिफेमेशन केस फाइल करेंगे या नहीं।